अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर के मिशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में और आज यहाँ में वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया जा रहा है पूरे देश भर में इस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का बीस साल जो हो चुका है उसका यहाँ में सेलिब्रेशन हो रहा है और इस वक्त मेरे साथ है रमेश जे के तो ये जो ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है रमेश जे के और हमारे जो पुलिस प्रशासन है उनके साथ मिल के बी के वी एलुमाई और भी काफ़ी लोगों के साथ मिल के आज का ये ब्लड डोनर्स डे मनाया जा रहा है तो आइए रमेश जी से बात करते हैं तो रमेश जी जो आज का आप लोग का वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे जो मनाया जा रहा है तो इनकी बीस साल हो गया है इस दिन में तो आज यहाँ में जो आर के मिशन का यहाँ में जो कराया जा रहा है पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतने सारे आदमी ब्लड डोनेट करने आए हैं आप कुछ इसका विषय में बताएं जी आ, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आ, सारे लोगों को मैं अंतरराष्ट्रीय रक्तदाता दिवस की देर सारी शुभकामनाएं देता हूँ हैप्पी वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे और साथ ही साथ आप जैसे कि बताया आज वर्ल्ड ब्लड डोनर और आज पूरे विश्व भर में पूरे विश्व भर में आज बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में ब्लड डोनर्स डे को मनाया जा रहा है इस द, इस दिन हम जो इंडिविजुअल वॉलन्ट्रली डोनर होते हैं उनको हम इंक्रेज करते हैं उनको हम रिकॉग्नाइज़ uh, करते हैं उन्हें हम पेलिसिटेट करते हैं तो आज हम लोग ने भी पेलिसिटेट किया उनको एज ए ब्लड डोनर्स हम लोग ने रिकॉग्नाइज़ किया और यही चीज़ पूरे विश्व भर में आज हो रहे हैं ताकि हमारा जो वॉल्ट्रली डोनर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उभर के आए और साथ ही साथ आज हमारे साथ में हम जो हमारा अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन और कैपिटल पुलिस जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किया हम लोग कोलेब्रेशन हम लोग वी के वी भी एलोमनाई एसोसिएशन ट्रिम्स ब्लड सेंटर और रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल को हमने कोलेब किया और काफ़ी मात्रा में आज लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पेशली हमारा जो पुलिस फोर्स के जवान जो पी टी सी बंदर में जो पुलिस जो ट्रेनिंग है वो लोग शायद आज का दिन हिस्ट्री बनेगा अरुणाचल में क्योंकि अभी तक हम लोग ने अरुणाचल में सब सबसे हाईएस्ट कलेक्शन अभी तक 152 एंड फिफ्टी टू यूनिट्स जो भी जो असम रैपल के साथ किया था लेकिन आज शायद 200 से ऊपर जाने वाले हैं तो आज शायद ये हिस्ट्री बनेगा और ये एक रिकॉर्ड में रहेगा अरुणाचल में कि आज 200 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कलेक्शन हुआ है इसका सा... क्रेडिट मैं पूरे अरुणाचल पुलिस फोर्स को दूंगा इसका क्रेडिट मैं कैपिटल पुलिस को दूंगा और जो हमारा आईजी आईजी सर है ताके रिंगू सर मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा और उनको भी धन्यवाद कहूंगा कि उनका प्यार और सपोर्ट से भी हुआ और स्पेशली हमारा कैपिटल का जो एस सर है आ, रोहित सर उनको भी मैं तह दिल से मैं धन्यवाद दूँगा जो उन लोगों ने अपना प्यार दिखाया इतनी भारी मात्रा में प्यार दिखाया जो लगभग तीन लोग बंडर देवा पीटीसी से आया और अपना रक्तदान कर रहे हैं साथ ही साथ जो कुछ आम जनरल पब्लिक्स भी आया कुछ माँ ग्रुप भी आया था वोमेंस ग्रुप उन लोग ने भी ब्लड दिया और इस बार का 2024 का मिस जो मिस अरुणाचल है 2024 का वो भी खुद भी आया डोनेट किया और उसने भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी किया और साथ ही साथ हमारा कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो डी है श्वेता में मैडम भी आया मैम भी काफ़ी लोगों को इंक्रेज किया मोटिवेट किया आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी वो ब्लड डोनेशन के थ्रू या अरुणाचल के लोगों के लिए जो अच्छा बेहतर काम हो सकता है वो हमारे साथ मिलकर करने का उसने भी कहा है और उसने भी लोगों से अपील किया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और रक्तदान करें अपने लोगों के लिए तो इसी सब के साथ आज हम वर्ल्ड ब्लड डोने डे को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम सुबह से हम मना रहे हैं तो जैसे कि आज बहुत सारे लोग आए हैं और जैसे कि आपने कहा कि 200 से ऊपर जा सकता है आज का जो कलेक्शन है तो ये कलेक्शन जो सिर्फ़ आर के मिशन और थ्रिम्स में जाएगा ना ना आप कहीं और जगह भी इसको भेजने का सोच रहे अगर इमरजेंसी होने से एक्चुअली uh, जो हमारे आई में दो ही ब्लड बैंक है लाइसेंस ब्लड बैंक है ट्रिम्स में है और आर मिशन में है ये ट्रिम्स और आर मिशन में जो भी ब्लड है ये सब ट्रिम्स या आर मिशन में नहीं रहेगा आई के अंडर जि, में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जैसे निभा है हेमा है हॉर्मिन है बी है और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है या सब सेंटर्स है उनमें उनमें उन भी जो भी ब्लड जरूरत होगा उनको वो आर मिशन या ट्रिम्स ब्लड बैंक से वो कलेक्शंस कर सकते हैं और रही बात हम यहाँ से ब्लड को बाहर बेचने का ये अभी तक हमारे अरुणाचल में ऐसा कोई सुविधा बना नहीं है कि हम ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर सकते ना उसका ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ब्लड बैन होता है जो साइंटिफिकली वो अप्रूव या बनाया जाता है और उसके लिए सरकार के थ्रू से ही आता है इस अभी तो फिलहाल नहीं है उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में हमारे अरुणाचल में भी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन बैन रहेगा जो हम इटानगर से बाकी डिस्ट्रिक्स में भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार हम लोग भी देखते हैं शायद आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे बहुत सारे मरीज होता है या पेशेंट होता है जो ईटानगर पहुँच नहीं पाता लेकिन उनको ब्लड चाहिए और क्या डिस्ट्रिक्स में बहुत कम अवेयरनेस है या लोग ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता या ब्लड बैंक की फंक्शनल सही नहीं है तो ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास ब्लड ट्रांसपोर्टेशन बैन होने से क्या है कि हम ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लेकिन वो सुविधा फ़िलहाल अभी नहीं है तो आज का जो ब्लड डोनेशन है वो आर के मिशन और ट्रिम्स में फिफ्टी फिफ्टी जाएंगे अगर टू हंड्रेड आज कलेक्शन होगा तो हंड्रेड आर के मिशन में रहेगा और हंड्रेड ट्रिम्स में रहेगा तो फिफ्टी फिफ्टी करेंगे और साथ ही साथ मैं आपके साथ इस बात को और एक बार जोड़ना चाहता हूँ अभी हम लोग एक रिप्लेसमेंट सिस्टम बनाया है इसको लेकर हमारा पब्लिक में बहुत सारा मिसकनसेप्शन भी होता है तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि रिप्लेसमेंट सिस्टम इसलिए ज़रूरत है देखिए इटानगर में इट्स इटानगर का बात कर रहा हूँ आई में एक दिन का ब्लड रिक्वायरमेंट लगभग दो का है तो 250 कलेक्शन कलेक्श रिक्वायरमेंट एक दिन का होता है और हमारा ब्लड डोनेशन में मुश्किल से 70, 80, 100 जैसे कि आज 200 यूनिट कलेक्ट होगा तो सोच के देखिए रिक्वायरमेंट ज्यादा है सप्लाई कम है तो 200 यूनिट 250 के लिए कैसे हम अवेलेबल कर सकते हैं तो वो अवेलेबिलिटी के लिए और ब्लड बैंक में ब्लड एमरजेंसी के लिए स्टॉक होने के लिए हम रिप्लेसमेंट सिस्टम लगाते हैं जैसे आपको बी पॉजिटिव चाहिए आप ब्लड बैंक से बी पॉजिटिव ले लीजिए ले लेकिन बदली में आप कोई ब्लड दूसरा ब्लड ग्रुप दे दीजिए बी का जगह आप ए दे सकते हो ओ दे सकते हो ए भी दे सकते हो उससे क्या है कि रोटेशन चलता है ब्लड बैंक में और ब्लड बैंक में स्टॉक बना रहता है और उस वो स्टॉक बना रहने से क्या होता है कि एमरजेंसी समय का स्पेशली कोई एक्सीडेंट केस आधी रात को आ आगे उनको कोई गर्भवती महिला है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिलीवरी के समय ओवर ब्लीडिंग हो गया ऐसे समय को तो ये ऐसे एमरजेंसी केसेस में जो कैंसर पेशेंट का भी इमिडिएटली कीमो देना है डायलिसिस जो सीकीडी है एमरजेंसी उनको डायलिसिस करना है तो उस समय ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है लेकिन अगर उस समय ब्लड का स्टॉक ही नहीं रहेगा तो सोचो ऐसा पेशेंट हम कैसे बचा सकेगा तो ऐसे लोगों को भी हमको सेव करना है बचाना इसके लिए यह रिप्लेसमेंट सिस्टम है तो पब्लिक इसको थोड़ा तो सा मिसगैड ना करे और मिसकनसेप्शन में ना रहे कि रिप्लेसमेंट क्यों लेता है क्यों लेता है यह रिप्लेसमेंट आप लोगों के लिए ही है ताकि ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबिलिटी बना रहे यह बात भी मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा